नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनुभा कपिल और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं आप सभी का क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सभी की ऑल टाइम फेवरेट किटकैट चॉकलेट की रेसिपी वेफर्स शीट के साथ, बिना किसी खास एफर्ट के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी मशीन के, बहुत ही आसान विधि से। बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में, जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, मैं बनाते बनाते बताती रहूँगी कितना मैं क्या ले रही हूँ। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक ले लिया है बड़ा सा बॉल, उसके ऊपर रखी है छलनी। और फ्रेंड्स, इस छलनी में डालने जा रही हूँ मैं मैदा 1 कप, पिसी हुई चीनी 1/2 कप, 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं है ये पाउडर है, 1 छोटी पिंच नमक की। और इसको पहले मैं थोड़ी छान लूँगी। तो लीजिए, मैंने सब छान लिया है और अब मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून घी बटर के, या तो मेल्टेड बटर हो या तो फिर तेल हो। मैं तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये वनीला एसेंस 1/2 चम्मच लगभग, और ये लिया है मैंने 1/2 कप दूध, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, एक साथ ना डालें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और थोड़ा थोड़ा करके हम सारा दूध इसमें मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी, जैसे केक बैटर होता है ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई, एकदम जेंटल सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं ये प्रोसेस की ओर। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप कोई नॉन स्टिक पैन ही लीजिएगा, जिसमें आराम से स्टिक ना हो सके ये। और इस अभी ठंडा है पैन, ये देख सकते हैं आप। और इसमें मैं लगभग 1 से 1.25 चम्मच इसमें डालूँगी मिक्सचर, इस बैटर को ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। 1 से 1.25 चम्मच मैंने मिक्सचर लिया और इसको अब हम इसमें अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको अभी हम ठंडा है ये पैन और इस पर इसको स्प्रेड करेंगे, जितना पतला आप इसको स्प्रेड कर सकें उतना ज़्यादा इसको पतला आप इस तरह स्प्रेड कर लीजिए, जैसे हम चिल्ले बनाते हैं बस, लेकिन इसका थोड़ा सा बस इसको ज़्यादा पतला रखना है हमें। तो मैं इसको पूरा अच्छे से करती हूँ स्प्रेड, जितना पतला कर सकें उतना। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, शेप का कोई मैटर नहीं है, कोई शेप हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसको ले चलते हैं गैस स्टोव पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, पैन को रख दिया मैंने गैस स्टोव पर और फ्लेम कर दिया एकदम लो, बिल्कुल मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम कर दिए। और उसको भी धीरे धीरे हम इसे सिकने देंगे, लगभग 2-2.5 मिनट इसको लग जाएंगे सिकने में, तो इसको भी हम थोड़ा सा सिकने देते हैं। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा, थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है। यदि आपको लगे इधर फ्लेम नहीं लगी तो इसको थोड़ा सा पैन को घुमा सकते हैं, पर इसको पूरा हम सिकने देंगे। 2-2.5 मिनट लगेंगी, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा पेशेंस इज वर्च्यू, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये होममेड चॉकलेट बन रही है, मज़ा भी बहुत आएगा इसको खाने में। और देखिए फ्रेंड्स, ये सिक गई है इधर से, अब हम इसको धीरे से फ्लैप कर देंगे। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। और अब इसको हम इधर से भी सेक लेंगे, 1-2 मिनट इधर से भी लगेगा सिकने में, लो फ्लेम पर ही। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से हम सेक लेंगे, इस तरह से उलटते पलटते ये सिक गया है, इसको हम उतार लेते हैं। वो पैन को अभी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, दूसरा ये हमारा वेफर डालने से पहले। और फ्रेंड्स, इसको हम उतारेंगे किसी फ्लैट सरफेस पर, और इसके ऊपर कोई भारी चीज़, जो कि इसका तवा, ये जिसमें मेरे पास तवा है ये काफ़ी भारी है इसका जो बॉटम, तो मैं इसको इसके इस पर रख दूँगी ताकि ये फ्लैट इसमें, ताकि ये सेट हो जाए और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए भारी ये तवा इसके ऊपर रख देती हूँ। और अब दूसरा बना लेती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा ठंडा पैन, अब इसमें मैं वापस इसी तरह से सेम प्रोसेस से अगला वेफर शीट बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने वेफर शीट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये, देख सकते हैं कितने सारे बना लिए हैं। आपको मैं एक थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़ा सा अजीब शेप हो गए थे, आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना टूटने की, एकदम से बहुत ही कड़क कड़क, और देखिए एकदम से क्रिस्पी ये वेफर शीट हमारी बन गई हैं। तो मैंने थोड़ी सी बना ली है, आपको थोड़ी सी बातें इसको ध्यान रखनी होगी बनाते टाइम। एक तो ये कि जैसे हम डोसा बनाते हैं डोसे की तरह इसको हमें बनाना है, इसका जो बैटर है डोसे की तरह थोड़ा पतला ही रखना है, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1/2 कप ही दूध डालना है। यदि आपको बनाते बनाते इसको बनाते बनाते लगे आपका बैटर थोड़ा थिक हो गया तो उसमें 1-2 चम्मच दूध डाल लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जैसे हम बनाते हैं ना डोसा, और जैसे एक हमने ये बना लिया वेफर, ठीक है, एक शीट बनाने के बाद तवे को या जो भी आपका पैन है उसको ठंडा कर लीजिए, पानी डाल के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही फिर अगला वेफर शीट उस पर डालिए,
सेम डोसे की तरह। ओके अगेन एक बात और कि आप यदि है ना जल्दी बनाना चाहें तो क्या है कि आप दो पैन यूज़ कर लीजिए, एक को ठंडा करते रहिए एक दूसरे में डालते रहिए, तो क्या है ये वेफर शीट बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएंगी, क्रिस्पी तो बनी हुई है, देखिए पापड़ की तरह बन गई है। और हाँ बस जो थोड़ा सा मेहनत है ना इसमें बस इस शीट बनाने में ही थोड़ा सा है, अदरवाइज़ तो दूसरा काम है वो तो बिल्कुल ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फिर तो फटाफट बन जाएंगी हमारी चॉकलेट। तो चलिए हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, अब बढ़ते हैं आगे ये प्रोसेस की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स ये ली है मैंने लगभग 100-150 ग्राम चॉकलेट ली है, कंपाउंड चॉकलेट, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मैंने इसमें थोड़ी सी डार्क चॉकलेट और थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट दोनों को मिक्स किया है, आप चाहें तो किसी एक चॉकलेट को भी ले सकते हैं। तो ये ले ली मैंने, मेल्ट कर लिया है। इसको मेल्ट करने का यदि आप प्रॉपर मेथड देखना चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक उठाएंगे शीट, इस पर डालेंगे ये चॉकलेट अच्छे से, इसको हम अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे किसी स्पैचुला की हेल्प से या तो फिर स्पून की हेल्प से अच्छे से करेंगे इस पर स्प्रेड चारों तरफ। और अब सेम वैसे एक और शीट लूँगी, इस पर भी इसी तरह से मैं चॉकलेट स्प्रेड कर दूँगी, इसको प्लेस करूँगी इस पहली वाली शीट के ऊपर। और मैं तीन ले रही हूँ, तीन या चार जितनी आप पसंद करें ले उतनी बना सकते हैं, मैं तीन लेयर बना रही हूँ फिलहाल, आप चार भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराना है। और अब इसके हम कोई शार्प नाइफ ले लीजिए, उससे इसके हम साइड के जो कॉर्नर हैं इनको कट कर देंगे, क्योंकि हमें शेप लेनी है इसकी बहुत आराम से, सिमिलरली साइड से भी। और देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके सब चारों तरफ से साइड्स कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स है ना। और अब हम इसको बार की शेप में कट कर लेंगे इस तरह से, जितनी बड़ी या छोटी आप बनाना चाहें बार। और फ्रेंड्स अब इन बार्स को हम डिप करेंगे इस मेल्टेड चॉकलेट में, मैंने ऑलरेडी मेल्ट की हुई है तो मैं इसको धीरे से इसमें डिप करूंगी और कोट कर दूंगी इस चॉकलेट से। और इसको ना निकालने के लिए या तो आप कोई बटर पेपर पर रख लीजिए या तो फिर जैसे सिलिकॉन मैट है उस पर रख लीजिए। तो लीजिए ये हो गई है कोट, इसको निकाल लेती हूँ बाहर। और फ्रेंड्स इस चॉकलेट को निकाल लेती हूँ मैं बाहर, मैंने सिलिकॉन मैट पर रखा, आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर पर रख लीजिए। और इसी तरह से मैं सेम वे से दूसरे चॉकलेट को भी इस तरह से इसमें कोट करती हूँ चॉकलेट से। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर ना 5-स्टार जो कैरेमल वाली चॉकलेट है उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी लगी थी वो मेरे सभी फ्रेंड्स को और सभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं रिलेटिव सबको अच्छी लगी थी और आप लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको भी बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स इस तरह मैं दूसरी चॉकलेट भी निकाल लेती हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स इन चॉकलेट्स को मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने दिया और फ्रेंड्स सेट होने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह की लग रही हैं। तो एक बैच मैंने पूरा तैयार कर लिया है, थोड़े से और बचे उसको भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हैं ये हमारी होममेड की किटकैट चॉकलेट बनकर तैयार है, अंदर वेफर्स भी इसके। और फ्रेंड्स हाँ मैं आपको बता दूँ इसके साइज़ थोड़ा बड़ा है, जैसे कि 5-स्टार चॉकलेट होती है कुछ थोड़ा वो साइज़ रखा है मैंने जानबूझ कर रखा है, क्योंकि इतनी क्रिस्पी होती है ना ये कि कट करने में ही टूटने का डर रहता है। और आप चाहे तो छोटा साइज़ भी इसका बना सकते हैं, बट फ्रेंड्स ये बनती बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, एकदम अमेजिंग है, ये होममेड है, बहुत बढ़िया बनी है और हमें पता है कैसे बनाई है, बिल्कुल हाइजीनिक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको एक ट्राई कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत सारे केक्स एंड कुकीज़ भी मिलेंगे, साथ ही अलग अलग तरह की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, उनको देखने के लिए जरूर ट्राई कीजिए चैनल को और इसको बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी चैनल की सभी वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स जल्दी लेकर आती हूँ एक और वीडियो, तब तक आप ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।